कैसन लगा था? नीक लगा था। अरे राबू तो पतोही से लड़बू झूठे। नहीं बढ़िया लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भाई साहब गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। और कहा जाता है सनातन धर्म में भक्ति और भाव से अगर मन के भक्ति और एकदम श्रद्धा के साथ भाव के साथ तो इंसान तो इंसान इंसान चाहे तो ईश्वर को भी अपने बस में कर सकता है। और ये कहानी सदियों से चली आ रही है। कभी रहसु गुरु की बात याद आती है, थाने वाली मैया का नाम आता है तो होता है रहसु गुरु एक ऐसे भक्त जो माता को जो है अपने बस में कर लेते और माँ को न चाहते हुए भी भक्त के द्वार पे आना पड़ा था। तो ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के सिसवा बाजार नगर पालिका में। और मुझे एक बड़ा अच्छा चीज़ लिखा कि आज के दौर में भाग भरे दौर में जहाँ हर व्यक्ति के पास समय नहीं है वहाँ आज एक ऐसा अखंड कीर्तन, ताकि अखंड कीर्तन की बात आती है तो लोग 24 घंटे का कराते हैं, 48 घंटे का कराते हैं, 120 घंटे का कराते हैं। लेकिन आप सुन के आश्चर्यजनक होंगे कि हम जहाँ पर मौजूद हैं ये अखंड कीर्तन एक साल का, और एक साल में मैंने 365 दिन और 365 रात। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खूबसूरती एक मैसेज आएगा समाज में। और इसको कराने वाले व्यक्ति हैं धीरू सिंह जी जो विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो बात करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये ताकि हम आम तौरों पे हम लोग सुनते हैं कि हरि कीर्तन 24 घंटा 48 घंटा, ये लगातार 365 दिन एक साल का, ये आपके जहन में कैसे प्रेरणा मिली, कैसे ख्याल आया? ये पिछले लगभग एक साल से, छः महीने एक साल से हमारे मन में चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ थी कि व्यवस्था नहीं बन पा रहा था। लेकिन सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होता है, प्रेरणा देने वाले तो वही हैं। लेकिन अगर ऐसे समाज को देख के अगर ये बात कही जाए तो गीता वाटिका में जो पिछले भाई जी यानी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा 1970-75 के आसपास वहाँ पे उन्होंने शुरू कराया था कीर्तन, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो वो उन्होंने भी पहली बार एक साल ही कराया। अच्छा जी। फिर उसके बाद फिर ऐसा उन लोग वहाँ के लोगों का लगन था, उनका भी अपना विश्वास था, भगवान की इच्छा थी, मर्जी थी कि वो आज तक चली रहा चले। तो बस प्रेरणा वहीं से है और मेरी भी इच्छा यही है। अच्छा। कि अभी एक साल का ही संकल्प है, अगर जो सब कुछ करते हैं जो उनके इच्छा से सब कुछ होता है, अगर वो चाहेंगे तो ये काम आगे भी बढ़ेगा, ये हम लोग का क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा, हम सब लोग ईश्वर का छत्र छाया पाएंगे उनके चरणों में। लगातार एक साल, तो शुरू में सोचने में थोड़ा सा अजीब तो आपको लगा होगा कि लगातार एक साल, ताकि जो गीता वाटिका की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो साधक लोग भी करते हैं, यहाँ पे बकायदा व्यवस्था सारी चीज़, तो थोड़ा सा मन में मैंने कैसे लगा कि एक साल कंटिन्यू? मन में आ गया था, अब मुझे विश्वास था कि अगर मन में कोई भी भाव लाने वाले वही हैं, वो लाए हैं तो कराएंगे, कराने वाले तो वही हैं। हम लोग तो बहुत ही सामान्य हैं, असामान्य सब लोग हैं लेकिन सब लोग विशेष भी हैं। तो अगर प्रेरणा उन्होंने दिया है तो पूरा भी कराएंगे। और हमारे क्षेत्र के सारे लोग, देखिए आप, हमारे क्षेत्र की माताएं हैं कितने अच्छे से
पूरा गांव इस माहौल में डूब गया। हाँ, ये रोज होता है, ऐसा नहीं आज 15-16 दिन हो गया और लोगों की संख्या रोज बढ़ी है। अच्छा, तो ये बढ़ी है। पहले दिन हमको लग रहा है जो कीर्तन वाले हैं वही लोग थे। हमारे पीछे देखेंगे सैकड़ों महिलाएं हैं लगभग। तो एक और बात हमको बताइए, ताकि आप राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो एक मेरा सवाल ये बनता है, राजनीतिक व्यक्ति लोग की बड़ी मनौती भी होती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि धीरू सिंह जी है कुछ मनौती या कुछ दिमाग में लेके चल रहे हैं, ताकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो सवाल बनता है। मनौती यही है कि मैं जो संकल्प लिया हूँ, मेरे पास इसका वीडियो भी है। हाँ। वो वीडियो मैं आपको दे दूँगा। उस वीडियो में मैंने सर्व समाज, यानी जो हमारा पूरा समाज है, हमारा क्षेत्र है, हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, पूरी हमारी वसी जो वसुंधरा है, उसके सारे लोगों के सुख सारे लोगों में मैं भी समाहित हूँ। मैं अलग तो हूँ नहीं, तो सारे लोगों की शांति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रीत के लिए एक ये है। अब मेरा विष्णु भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप बड़े ही अच्छे पत्रकार, काफ़ी दिनों में जगह अधूरा है और बड़े ईमानदार है। कोई भी मुद्दा मैं ही कुछ गलत करूँगा तो आप निकालने चुके हैं, ये मैं जानता हूँ। मैं अपने लोग को और ज़्यादा नहीं, ये जो कमेटी है कीर्तन की टीम है, ये कहाँ की टीम है? ये बगहा की टीम है। बगहा की टीम, बगहा में भी एक मंदिर है। अच्छा। बगहा बाजार में, वहाँ पे भी काफ़ी समय तक कीर्तन हुआ था, ये लोगों को वहाँ का अनुभव है। वही तो ये जो टीम है हर कीर्तन की, ये लगभग 3 शिफ्ट में करते होंगे? हाँ, 3 या 4 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट जी। मतलब एक टीम आराम करते होगी तो दूसरी टीम स्टेप बाय स्टेप इतने भाव से लोग कर रहे हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं। स्वतः आते हैं लोग, स्वतः करते हैं लोग। मानव का स्वभाव है धर्म, ये मूल स्वभाव है। उनको लगेगा कि हाँ, भगवान का यहाँ पे निष्काम से, श्रद्धा भाव से पूजा रहा। तो स्वतः जैसे देखिए, आप ही, आपको मैं नहीं बुलाया हूँ लेकिन आप आए। मुझे खुद भी बड़ा अजीब लगा, और मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक साल का अखंड कीर्तन। मेरी उम्र भी लगभग 30 साल प्लस हूँ, लेकिन पहली बार मुझे लग रहा है। और ये तरह से कहें, एक तप है कि 4 शिफ्ट में पूजा करना, सच्चे मन से पूजा करना। और ये लगातार हमारे साइड में आप देखेंगे, कैमरामैन थोड़ा फोकस करें, ये बिहार की टीम है, बिहार पश्चिमी चंपारण बगहा के रहने वाले लोग हैं। और पीछे महिलाओं से हम बात करेंगे, तो ये तमाम माताएं बहनें हैं। वैसे मंदिर में आया हूँ न्यूज करने, लेकिन मुझे लग रहा है कैमरा छोड़ के, माइक छोड़ के जो है वो श्री राम की भक्ति में डूब जाऊँ। माता जी कहा जब कीर्तन होता, मजा आता, अच्छा लगता, प्रभु के नाम के रस, बाबू नाम रोशन करते हैं, जीवन के असली सत्य ये बात है। सारा बाजार खत्म हो जाएगी, झूठे बौजाल में आदमी पड़ा होगा। कहिया से होता आपके यहाँ? 14-15 दिन हो गए, तो रोज आवे लू? हाँ, रोज कैसे लगा था? ठीक लगा था। घरे रहू तो पतोही से लड़ू झूठे? नहीं, बढ़िया लगा था। भगवान के भक्ति में इतना ताकत बा कि झगड़ा बवाल सब खत्म हो जाएगा। देखिए, ये तमाम गांव की महिलाएं हैं, जीवन का असली सार यही है कि प्रभु, ताकि कहा जाता है गृहस्थ आश्रम में 4 वर्ण है, और आप इस वक्त जिस उम्र में है, ये प्रभु के पाने वाला उम्र है। अधिकाल चल बा, ठीक है भाई, आज 15 दिन हो गया, हमके अच्छा लगा था। अच्छा, बहुत लगा था। प्रभु के नाम मगन ना, कहीं ना कहीं बढ़िया काम भी कर रहा है। काम अच्छा बा, बहुत अच्छा काम बा, लगातार 1 साल ले हो, ठीक बा। 1 साल के बीच में नहीं हो, रिजाक नहीं पड़ी जाओ, आप झाल उल ना ले बानी। अच्छा, मोहन का पारी आ गया बात। ये बताए हमके कैसन लगा था गाँव में? बहुत अच्छा, अच्छा लगा था। कई दिन से होता है? 15 दिन आज हो। 15 दिन रोज मंदिर में आके आदमी बुझा तो मन तृप्त हो जाता है। घर का सब भूल जाते हैं, घर द्वार पटीदार रिश्तेदार, भूल जाते हैं। हाँ, आ फिर घर के झगड़ो भुला जाते हुई, मेड़े के झगड़ा वाला, कब बर्तने धोवाई के झगड़ा वाला, सब भूल जाते हैं। बहन जी बता रही है कि घर के सारा काम झंझट बवाल भुला जाए, और जीवन के सब असली सत्य यही बाटे। तो 15 दिन से आप आओ? 15 दिन से रोज आते हैं। अभी लड़ाई तो लंबी बाटे, ठीक है, लगातार 1 साल। 1 साल आएंगे। हम सुने नहीं, भक्त लोग पहले ही हार जाला लोग? नहीं, कोई नहीं हारता है यहाँ, कोई नहीं हारता है।
प्रभु के दरबार में कोई नहीं हारता, कोई नहीं हारता है। मन साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। तो हमारे पीछे आप देखेंगे, इधर आप देखिए क्या नजारा है। ये प्रभु के नाम का मेला है और प्रभु का जो नाम है वो एक ऐसा नाम है कि आपका जीवन को जीवंत बना देता है। और कहा जाता है हरि कीर्तन, हरि कीर्तन असली यही है कि हरि के नाम में आदमी हो जाए। मैं धीरू सिंह जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि पूरा गांव को जोड़ दिया है और चर्चा का विषय बना है एक साल का ये अखंड कीर्तन। तो आज गांव के लोग प्रभु के नाम का प्याला लूट रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अलौकिक है। धीरू सिंह जो सोच के एक साल का अखंड कीर्तन से शुरुआत किए थे, ये माहौल तो 10-15 दिन में ही बन गया है। हाँ, माहौल 10-15 दिन में बन गया है, एक साल नहीं आगे भी चलेगा, चलता रहेगा, निश्चित चलता रहेगा जब तक जीवन है, जब तक कलयुग है, तब तक चलेगा। और कलयुग में कहा जाता है कि प्रभु भगवान चाहे जिसको भी मानते हो वो हमेशा खुश हो जाते हैं, लेकिन जो है भक्ति भाव होनी चाहिए। ये देखिए भक्त, ये दीवाने हैं, ये प्रभु के दीवाने हैं। चलिए इधर चलिए। तो हम इस्लाम नगर पालिका में है और मैं खुद एकदम घूम रहा हूँ, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके घूम रहा हूँ। तो ये प्रभु की महिमा है।